बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में फ्रिक्शन पढ़ रहे थे तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग डालिए एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। हेडिंग डालेंगे एंगल ऑफ रिपोज। तो क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज, जरा हम इस बात को एक्सप्लेन कर दें। तो इसमें लिख लीजिए एक लाइन, इट इज़ द मिनिमम इंक्लिनेशन, इट इज़ द मिनिमम इंक्लिनेशन ऑफ रफ इंक्लाइन, इट इज़ द मिनिमम इंक्लिनेशन ऑफ रफ इंक्लाइन एट विच एनी बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग अलॉन्ग द इंक्लाइन, एट विच एनी बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग अलॉन्ग द इंक्लाइन। ओके, कह रहे हैं किसी रफ इंक्लाइन का वो मिनिमम एंगल, जिस एंगल पर बॉडी स्लाइड करने वाला है, अगर मैं बोलूँ स्लाइड करने वाला है इसका मतलब जस्ट अबाउट टू स्लाइड, और जब भी बताओ जस्ट अबाउट टू स्लाइड होता है तो फ्रिक्शन कौन सा लगता है, एफ एस मैक्स, राइट। तो हमारी देखो क्या बात है, एंगल ऑफ रिपोज इंक्लिनेशन का किसी भी इंक्लाइंड का वो एंगल है जिस एंगल पर बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा, राइट। तो ध्यान से देखें, मैं तुमसे ऐसे बोलूं कि मान लो ये एक प्लेन सरफेस है, ऐसे समझिए हम आपको थोड़ा सा, इसका एंगल हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक, और हम दिखाएंगे कि जिस एंगल पर ये बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड आ जाएगी हम उसी एंगल का नाम रख देंगे एंगल ऑफ रिपोज। यानी एंगल अगर इंक्लाइन का एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगा, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर एंगल है तो बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगी, और अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है तो बॉडी पक्का स्लाइड कर जाएगी। तो ध्यान दीजिए, बताओ जरा, अगर हम उनसे कहें यहाँ पर ये एक ब्लॉक रखा है ऐसे, और ये ब्लॉक और सरफेस के बीच में रफनेस है, इसका मास है m, और यहाँ पर म्यू एस एंड म्यू के, म्यू एस और म्यू के हमको ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक। चलिए हम देखते हैं, अभी बताओ ये हमने इस प्लेन को हॉरिजॉन्टल रखा है, मतलब एंगल 0 डिग्री, थीटा भी 0 डिग्री, अभी हमने इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा है, ठीक है, थीटा 0 डिग्री है, हम हॉरिजॉन्टल से एंगल धीरे धीरे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे वो कौन सा एंगल है जिस पर ये ब्लॉक है, मास का ब्लॉक इस इंक्लाइन पर जस्ट अबाउट टू स्लिप होगा, उसी एंगल का नाम रख देंगे एंगल ऑफ रिपोज। तो ध्यान दो बेटे, अगर अभी हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो नीचे बोलो एम जी लग रहा होगा ब्लॉक पर, ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है, नीचे एम जी ऊपर नॉर्मल। अब बताइएगा जरा यहाँ पर कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है एफ एस मैक्स, इसको क्या बोलते थे एफ एस मैक्स को, मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल, किस बात के लिए, स्लाइड होने से बचाने के लिए। तो बताओ बेटा ये होगा म्यू एस इंटू नॉर्मल और ये होगा म्यू एस इंटू एम जी। अच्छा टेंडेंसी कितने की है, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग बताओ, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग अगर हम आपसे कहें कितनी है तो जरा बताओ बेटा, इस इंक्लाइन के अलावा इस पर कोई फोर्स ही नहीं है, इस ब्लॉक पर इंक्लाइन के अलावा अगर कोई फोर्स नहीं है तो इस ब्लॉक में बताइए हॉरिजॉन्टल स्लाइड करने की कोई टेंडेंसी नहीं है, तो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग 0। तो बताओ स्लाइड करने की टेंडेंसी नहीं है लेकिन रोकने के लिए इतना फ्रिक्शन तैयार है, तो अगर हम उनसे कहें यहाँ कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा तो आपका जवाब होगा 0 फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नो नीड ऑफ फ्रिक्शन बिकॉज देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। तो हम बोलेंगे यहाँ पर नो नीड ऑफ फ्रिक्शन, अभी यहाँ पर कोई फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, ठीक है। अब हमने इस इंक्लाइन को थोड़ा सा थीटा एंगल दिया ऐसे, ये हमारा है वो इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, और ये एंगल हमने मान लीजिए अल्फा एंगल दिया, कितना एंगल, मान लो अल्फा एंगल दे दिया, ठीक। ध्यान से देखिएगा, हमने थोड़ा सा एंगल बढ़ाया, ये एम मास का ब्लॉक, ये रफ सरफेस ऐसे, हमने जैसे ही एंगल थोड़ा सा यहाँ बढ़ाया तो बताओ बेटा एम जी ऐसे लगता था, ऐसे लगता था एम जी वर्टिकली डाउन, हम इसे एम जी के कॉम्पोनेंट करेंगे, तो देखो हमने इसको डॉट 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 दिखाया, इसका एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा एम जी का कॉस अल्फा, ये एंगल अल्फा होगा,
एक आएगा डाउन द इंक्लाइन एम जी का साइन अल्फा, इधर बताओ एम जी कॉस अल्फा को बैलेंस कौन करेगा नॉर्मल। तो सुनिए ध्यान से, अब यहां पर जो अवेलेबल फ्रिक्शन है एफ एस मैक्स, इसको बोलते थे हम लोग अवेलेबल फ्रिक्शन, अवेलेबल फ्रिक्शन, एक एक बात समझते चलिएगा। बताओ बेटा वो कितना आ रहा है, म्यू एस इंटू नॉर्मल, और म्यू एस नॉर्मल है बताओ कितना, एम जी कॉस अल्फा नॉर्मल है एम जी कॉस अल्फा। तो बताओ जो फ्रिक्शन है अवेलेबल वो पहले म्यू एस एम जी था, अब उससे कुछ कम हो गया, कॉस अल्फा की वैल्यू वन से तो कम ही होगी ना यार, अगर ये अल्फा जीरो से बड़ा है तो कॉस अल्फा वन से छोटा। तो बताओ जैसे ही हमने एंगल बढ़ाया रोकने वाला कम हो गया, मतलब फ्रिक्शन घटने लग गया, अवेलेबल फ्रिक्शन घटने लगा। स्लाइडिंग की टेंडेंसी देखो, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग बताओ ये चाहता है नीचे चला जाए कितने से, एम जी साइन अल्फा से, तो ये है टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, स्लाइड करने की टेंडेंसी कितनी है एम जी साइन अल्फा, राइट एम जी साइन अल्फा हो गई स्लाइड करने की टेंडेंसी। अब बताओ एम जी साइन अल्फा अगर स्लाइड करने की टेंडेंसी है तो बताओ इसे रोकने के लिए अप द इंक्लाइंड आया होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्स नहीं स्टैटिक फ्रिक्शन, अभी बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लिप नहीं है, अभी ये बड़ा है ये छोटा है, तो रोकने के लिए ओनली एफ एस, और इस बॉडी का एरो देखो डाउन द इंक्लाइंड, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, ये रुक गया। बताओ ये हमारा एफ एस मैक्स मान लो 50 न्यूटन है और ये टेंडेंसी 10 न्यूटन है, तो बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा, 10 न्यूटन लगेगा, जितनी टेंडेंसी होगी उतना फ्रिक्शन लगेगा। यानी हम एक बार नोटिस कर रहे हैं जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं अवेलेबल फ्रिक्शन घटता चला जा रहा है, टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग बढ़ती चली जा रही है, अच्छे समझ लो बेटे। बताओ टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग इज इंक्रीजिंग, एफ एस मैक्स डिक्रीजिंग, एंगल इंक्रीजिंग, तो जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं बताओ नॉर्मल घटता जाएगा, एफ एस मैक्स घटता जाएगा, एम जी साइन अल्फा बढ़ता चला जाएगा। तो हमने अपना एंगल इतना कर दिया बढ़ा करके, मान लो हमने अपना एंगल थीटा कर दिया, कितना थीटा, इतना एंगल कर दिया कि यहाँ रखी बॉडी को स्लाइड होने से बचाने के लिए एफ एस मैक्स लगने लगे, उस समय हम कहेंगे बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड। तो बताओ बेटा इधर की तरफ ये एम मास है, इधर की तरफ एम जी साइन थीटा, इधर की तरफ एम जी कॉस थीटा, इधर की तरफ नॉर्मल, इधर की तरफ नॉर्मल। और बताओ इसको रोकने के लिए अब लग गया अगर एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स, ये बात समझ में आ रही है एफ एस मैक्स क्यों लग गया, जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है तो ये भी घटता जा रहा है, तो एक समय आए ये बढ़ते बढ़ते और ये घटते घटते बराबर हो गए, उस समय हम कहेंगे ये बॉडी एक्सेलरेशन तो जीरो है लेकिन जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड। इसी एंगल का नाम हम रख दिया एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज इंक्लाइंड का वो एंगल है, वो मिनिमम एंगल है जिस एंगल पर बॉडी बस स्लाइड करने वाला है, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिस एंगल पर बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड, उसी मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हमने क्या नाम दिया एंगल ऑफ रिपोज, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन बोलो, हम बोलेंगे अगर जस्ट अबाउट टू स्लाइड है तो एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर लिया एफ एस मैक्स ने, एम जी साइन थीटा को बैलेंस करा किसने एफ एस मैक्स ने, तो जरा बताओ एम जी साइन थीटा एफ एस मैक्स क्या होगा, म्यू एस इंटू नॉर्मल, तो ये देखो एम जी साइन थीटा बराबर म्यू एस नॉर्मल हुआ एम जी कॉस थीटा, एम जी से एम जी गया, तो ये देखो टेन थीटा बराबर म्यू एस, तो थीटा हो गया बेटा टेन इनवर्स म्यू एस, टेन इनवर्स म्यू एस ये हो गया थीटा, थीटा हो गया यहाँ पर टेन इनवर्स म्यू एस, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिपोज, ये हो गया बेटा एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज।
ठीक है। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक एंगल ऑफ रिपोज से कम रहा तब तक बॉडी रुकी रही, और जब एंगल ऑफ रिपोज के बराबर एंगल हुआ बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो गई। और अब अगर मैं बोलूं कि मान लो एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा हो जाए तो क्या बॉडी पक्का स्लाइड कर जाएगी, और अगर स्लाइड कर जाएगी तो फिर जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा होगा, काइनेटिक, और बॉडी एक्सलरेट करके डाउन द इंक्लाइन जाएगी, राइट। तो हम बात करने जा रहे हैं, आप पहले इतना नोट करिए फिर हम आगे एक्सप्लेन करें, इतना नोट करिए, एक एक बात समझना चाहिए आपको। एंगल ऑफ रिपोज क्या चीज है, वो एंगल जिस पर बॉडी इंक्लाइन के अलोंग जस्ट अबाउट टू स्लाइड कंडीशन में पहुंच जाए, उसी एंगल को हम लोग बोलने जा रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज। यानी जब भी एंगल, मान लो हम कहते किसी इंक्लाइन का एंगल ऑफ रिपोज यहां से निकलेगा, मान लो आया 30 डिग्री, तो अगर एंगल 30 डिग्री से कम है तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगा। एंगल 30 डिग्री है तो बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, और अगर एंगल 30 से बड़ा है तो बॉडी पक्का स्लाइड करेगा और फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। नोट करो बेटे, अब देखिए ध्यान से, अगर हम यहीं पे कहते हैं कि मान लो एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा हो जाए, देखिएगा भाई, मान लो हम कहते हैं कि आपका एंगल थीटा, ये ऐसे बोल दें, मान लो एंगल हम बीटा कहते हैं, एंगल बीटा ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। और बताओ बेटे एंगल ऑफ रिपोज अभी भी निकाला, यानी बीटा ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज है टेन इनवर्स म्यू एस, तो वो एंगल अगर ग्रेटर देन टेन इनवर्स म्यू एस है तो बॉडी पक्का स्लाइड करेगा, तो यहाँ पर एक्चुअल स्लाइडिंग मोशन होगा। और मैंने तुम्हें बताया था अगर एक्चुअल स्लाइडिंग हो रहा है तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगता था बेटे। तो ये देखो इंक्लाइंड है और ये एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा, और ये बीटा ग्रेटर देन टेन इनवर्स म्यू एस, यानी अब की बार हमने एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा कंसिडर किया है तो बॉडी पक्का क्या कर जाएगा, स्लाइड। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो बताओ भाई इधर की तरफ एम जी साइन बीटा, इधर की तरफ एम जी कॉस बीटा, और इधर की तरफ नॉर्मल, और ये बॉडी पक्का स्लाइड करके जाएगी, तो अप द इंक्लाइन जो फ्रिक्शन आएगा वो काइनेटिक आएगा बेटा, और ये बॉडी पक्का डाउन द इंक्लाइंट एक्सलरेट करके जाने वाला है, ये बॉडी पक्का डाउन द इंक्लाइंट एक्सलरेट करके जाने वाला है, राइट। तो आप हमको बताइए यहाँ पर एम जी साइन बीटा बड़ा होगा एफ के छोटा होगा, तो हम बताओ इक्वेशन क्या लिखेंगे, एम जी साइन बीटा माइनस एफ के बराबर एम इन टू ए, एम जी साइन बीटा माइनस एफ के बराबर एम इन टू ए। तो ये बताओ एम जी साइन बीटा माइनस एफ के होगा म्यू के इन टू नॉर्मल बराबर एम ए। तो ये देखो जरा एम जी साइन बीटा माइनस म्यू के इन टू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू है देखो एम जी कॉस बीटा, तो ये हुआ एम जी कॉस बीटा बराबर एम इन टू ए, एम 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 कैंसिल, तो बताओ एक्सलरेशन आ गया बेटे जी साइन बीटा माइनस म्यू के जी कॉस बीटा, ये आ गया हमारा एक्सलरेशन, और ये एक्सलरेशन आ गया डाउन द इंक्लाइन। लेकिन ये एक्सेलरेशन कब आया, जब हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज,
जब हमारा एंगल एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है तो बॉडी पक्का क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, राइट। नोट करिए, ठीक है, ध्यान देना बेटा, ध्यान दीजिए। अगर हम आपसे कहीं एक सवाल करते हैं, यानी देखो एंगल ऑफ रिपोज हमें क्या बताता है कि एंगल ऑफ रिपोज से अगर कम एंगल है इंक्लाइंड का तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगी, अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है तो बॉडी पक्का स्लाइड करेगी, अगर इंक्लाइंड का एंगल एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है तो बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे मत करना कभी। आप क्या करो, हमेशा हर सवाल करने की एक ही स्टोरी है, आप सबसे पहले निकालो कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है, जिसे बोलते हैं एफएस मैक्स, और फिर देखो कि रोकने के लिए कितना चाहिए कि बॉडी स्लाइड ना करे, और फिर देख लो कि क्या वो अवेलेबल फ्रिक्शन बॉडी को स्लाइड होने से बचा पाएगा। अगर बचा लेगा तो बॉडी रुक जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन से काम चल जाएगा, और अगर बॉडी को स्लाइड होने से बचाने के लिए जो फ्रिक्शन चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है तो बॉडी पक्का स्लाइड करेगी, और फिर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। तो जैसे कि मैं एक सवाल के माध्यम से बात करूं, मैं तुमसे कहूं एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसे सिंपल सी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये एंगल है 30 डिग्री और यहाँ पर एक मास हमने ले लिया 10 kg और यहाँ जो रफनेस है ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच में वो है 1/2√3, म्यू की वैल्यू है 1/2√3। ठीक है, हमको बताना है कि ये ब्लॉक इस इंक्लाइन पर एक्सेलरेट करेगा नहीं करेगा, और करेगा तो कितने से करेगा, और नहीं करेगा तो कौन रोकेगा, कितना फ्रिक्शन लगेगा, हमें सारी बात समझनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, आप सबसे पहला काम, मैंने कहा था कि फ्रिक्शन का कोई भी सवाल हो, सबसे पहला काम हम निकालेंगे कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है, सबसे पहला काम, राइट। कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है, किस बात के लिए अवेलेबल, उसे स्लाइड होने से बचाने के लिए कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है, हम पहले ये निकालते हैं। क्लियर है, तो सुनिएगा ध्यान से। चलो भाई इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते। अच्छा एक बात बताओ, केवल म्यू लिखा है, इसका मतलब यही म्यू एस और यही म्यू के, अगर केवल म्यू लिखा है तो यही म्यू एस और यही म्यू के। चलो भाई इसका जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, इधर की तरफ बोलो। चलो 10g का साइन 30 कितना होता है, हाफ, तो ये देखो बराबर आ गया 50 न्यूटन। इधर देखना, चलो इधर इधर की तरफ आएगा 10g का कॉस 30 कितना होता है, √3/2, तो ये बताओ √3/2, तो ये 50√3, और इधर लग रहा होगा ऐसे नॉर्मल। क्लियर, अब चेक करो कितना फ्रिक्शन अवेलेबल, एफ एस मैक्स बताओ म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू हमारा है 1/2√3 और नॉर्मल है हमारा बताओ 50√3, √3 कट गया, तो एफ एस मैक्स हो गया हमारा 25 न्यूटन। बताओ रोकने के लिए तैयार 25 न्यूटन, 25 न्यूटन है, स्लाइडिंग की टेंडेंसी कितने की है, 50 न्यूटन। ये 50 न्यूटन चाहता है कि ये ब्लॉक इंक्लाइंड के अलावा नीचे चला जाए, और बताओ रोकने के लिए तैयार खड़ा 25 न्यूटन, बताओ स्लाइडिंग की टेंडेंसी 50 न्यूटन, रोकने के लिए 25 न्यूटन, क्या बॉडी रुकेगी नहीं रुकेगी, और नहीं रुकेगी तो फ्रिक्शन लग रहा होगा जिधर टेंडेंसी उसके अपोजिट ऊपर की तरफ एफ के काइनेटिक, और ये बॉडी डाउन द इंक्लाइन पक्का एक्सेलरेट करके जाएगी। अब सवाल आता है एफ के की वैल्यू कितनी होगी, तो बताओ जो एफ के होगा उसकी वैल्यू भी 25 न्यूटन ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि सवाल में म्यू एस और म्यू के बराबर है, जो कि म्यू है, ये हमको गिवेन है।
तो म्यू एस और म्यू के अगर बराबर है तो एफ के बताओ 25 न्यूटन, राइट। तो इधर लग गया एफ के, इधर हमारा एम जी साइन थीटा, इक्वेशन बोलो एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, ये बताओ नेट फोर्स आया डाउन द इंक्लाइन, और यही नेट फोर्स बराबर एम इन टू ए न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ नेट बराबर एम ए, नेट फोर्स बराबर एम ए। तो बताओ ये कितना एम जी साइन थीटा 50, एफ के 25, ये 10 इंटू ए, ए आ गया हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन भी लिख दे रहा हूँ डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन। बहुत बढ़िया, समझ लीजिए, नोट करो, नोट करिए। नोट करिए, अगला सवाल देखिए जरा। चलिए देखिए, अब जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, हम आपसे कहें यहाँ पर एक इंक्लाइंड है, ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, और इसको तो बेटा फिक्स किया गया है इंक्लाइंड को, ये फिक्स्ड है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक है 10 kg, ठीक है, और यहाँ रफनेस जो है, यहाँ पे जो रफनेस है म्यू, वो है 1/√3, और इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है कोई एजेंट, और वो फोर्स है 20 न्यूटन, कितना 20 न्यूटन। किसी एजेंट ने, एजेंट मतलब पर्सन, आप मुझे एजेंट समझ लीजिए, मैं इसको पकड़ के ऐसे खींच रहा हूँ, इधर एक फोर्स लगा रहा हूँ, कितने न्यूटन का, 20 न्यूटन का, राइट। लेकिन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड एक्टिंग फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइंट, एंड एक्टिंग फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइंट। आपको इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है, आपको ब्लॉक और इंक्लाइंट के बीच में कितना फ्रिक्शन लग रहा है ये भी बताना है, राइट। तो बहुत बढ़िया, समझिएगा बहुत बढ़िया से, हर सवाल की एक स्टोरी। मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले निकालो कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है, और फिर पता करो कि टेंडेंसी कितने की है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि बॉडी स्लाइड होने से रुकेगी या एक्चुअल स्लाइड करेगी। तो चेक करते हैं, चलो भाई इसका बनाओ जरा फ्री बॉडी डायग्राम, इधर की तरफ बोलो, चलो इधर की तरफ एम जी का साइन 30, तो 10 g sin 30 हाफ होता बेटा, तो ये आ गया 50 न्यूटन, ठीक। इधर आ जाओ, इधर आएगा एम जी का cos 30, 10 g cos 30 होता है √3/2, तो ये हुआ देखो 50√3, क्यों, और इधर की तरफ आ रहा होगा ऐसे नॉर्मल, ठीक। अब जरा चेक करो यहाँ पे कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है, एफ एस मैक्स, अच्छा जो एफ एस मैक्स होगा वही एफ के होगा, इसकी वैल्यू वही होगी, म्यू इंटू नॉर्मल, राइट। तो बताओ म्यू है हमारा 1/√3, और नॉर्मल की वैल्यू बताओ, देखो जहाँ की रफनेस वहीं का नॉर्मल, तो यहाँ का रफनेस है तो यहीं का नॉर्मल, कितना नॉर्मल 50√3, तो बताओ रोकने के लिए 50 न्यूटन तैयार है। अच्छा एफ के कितना होगा, एफ के भी 50 न्यूटन होगा, क्यों, क्योंकि म्यू एस और म्यू के बराबर है, तो जो एफ एस मैक्स वही एफ के। अब बताओ बेटा टेंडेंसी कितने की, इधर लग रहा 50, इधर लग रहा 20, ये देखो एक आदमी 20 से खींच रहा था, इधर आ रहा 30 न्यूटन, तो इस सवाल में जो टेंडेंसी है, जो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग है, बहुत बढ़िया से समझिए, अगर ये बात समझ गए तो कोई भी सवाल फंसता नहीं है। टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग बताओ, इधर 50 ऊपर 20,
तो बता नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन 30, तो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग 30 न्यूटन किधर की तरफ, डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन, एक एक बात समझना। अच्छा, रोकने के लिए तैयार कितना है, 50 न्यूटन, जबकि टेंडेंसी कितने की है, 30 न्यूटन। तो बताओ ये बॉडी स्लाइड करेगी कि बड़े आराम से रुक जाएगी, आप कह रहे हो बड़े आराम से रुक जाएगी। ये ब्लॉक इस सरफेस से कहेगा कि मुझे स्लाइड होने से बचा लो, 30 न्यूटन के बराबर फ्रिक्शन दे दो। ये कहेगा अवेलेबल 50 है, आपकी ज़रूरत बहुत कम है, हम बड़े आराम से आपको रोक लेंगे। बताओ इसकी टेंडेंसी किधर, नीचे, तुरंत ऊपर की तरफ, अप द इंक्लाइन आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और बताओ बेटा वो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आएगा, अवेलेबल है 50, रोकने के लिए चाहिए 30, तो 30 न्यूटन लग जाएगा। और ये बॉडी नीचे की तरफ, एरो देखो नीचे बना रहा हूँ, क्यों, टेंडेंसी नीचे है लेकिन ये रेस्ट पर। तो ये सवाल खत्म हो गया। इस सवाल में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा और यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कितना होगा, 30 न्यूटन। आई थिंक क्लियर। अगला सवाल देखिएगा, सेम क्वेश्चन, मतलब हमको वही निकालना है कि एक्सेलरेशन बताना है और कितना फ्रिक्शन ब्लॉक और सरफेस के बीच में लग रहा होगा, ये हमको बताना है। इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे भाई, इसका असाइनमेंट वगैरह क्वेश्चन में क्लास में ही करा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। यहाँ पर ये एक वर्टिकल सरफेस है ऐसे, और यहाँ पर एक ब्लॉक है ऐसे, और ये ब्लॉक है बेटा 10 kg, कितना 10 kg, ठीक। और यहाँ जो ब्लॉक और इंक्लाइन, ये जो वर्टिकल वॉल है इसके बीच में रफनेस है, और ये रफनेस है बेटा म्यू बराबर 0.2, म्यू कितना 0.2। और इधर से एक फोर्स लगाया जा रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल, और ये फोर्स है 200 न्यूटन, कितना फोर्स है 200 न्यूटन। हमारा सवाल वही है, हमें इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है, हमें बताना है इस ब्लॉक और इस वॉल के बीच में कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, हमें ये भी बताना है। चेक करते हैं ध्यान से देखना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इधर से 200 न्यूटन लगाया, तो बताओ तुरंत यहाँ से क्या आया होगा, ऐसे नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर। और बताओ इस नॉर्मल ने इस 200 न्यूटन को बैलेंस कर लिया, नॉर्मल हो गया 200 न्यूटन, 200 न्यूटन, ध्यान से देखना। अगर नॉर्मल 200 न्यूटन रफनेस है तो कितना फ्रिक्शन बन के तैयार FS मैक्स, तो आप कहोगे म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू बताओ बेटा 0.2 और नॉर्मल हुआ 200, तो ये आ गया बताओ कितना 40 न्यूटन, देख लो 40 न्यूटन रोकने के लिए तैयार। अच्छा FK कितना होगा, FK भी 40 ही होगा क्योंकि म्यू एस और म्यू के बराबर बराबर है। अब देखो हमने इससे पूछा स्लाइड करने की टेंडेंसी कितनी है, आप हमें ये बताइए, तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा सर नीचे की तरफ 10 g लग रहा है, और ये बताओ 100 न्यूटन, तो ये कह रहा सर टेंडेंसी 100 की है, रोकने के लिए कितना है 40, क्या बताओ इसे रोक पाएगा। आप कहोगे ये ब्लॉक रुकने वाला नहीं है, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करके जाएगा और इस सरफेस को वर्टिकल वॉल को रगड़ते हुए जाएगा, एक्चुअल स्लाइडिंग करते हुए जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता हुआ जाएगा। तो बताओ क्या ऊपर की तरफ यहाँ पर इस ब्लॉक पर FK लग रहा होगा, ये FK किसने लगाया, वाई सरफेस ऑन ब्लॉक, हमारे लिए सिस्टम हमारा ब्लॉक है तो हम वो फोर्स दिखा रहे हैं जो ब्लॉक पर लग रहे हैं, तो वाई सरफेस ऑन ब्लॉक ऊपर की तरफ FK लगेगा, और वो FK बताओ बेटा 40 न्यूटन होगा, और ये ब्लॉक वर्टिकली डाउन एक्सलरेट करके जाएगा। इक्वेशन बोलो MG माइनस FK बराबर MA होगा, तो ये देखो 100, FK 40, मास 10 kg, ए आ गया बेटा देखो 6 m/s², और डायरेक्शन लिख दे रहे हैं हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड, नोट करते चलिए। तो देखो हर सवाल का कॉन्सेप्ट एक ही चल रहा है, हर सवाल में हम यही पता करते हैं कि कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है, और फिर देखते हैं कि कितने की टेंडेंसी है, फिर चेक करते हैं कि ये बॉडी स्लाइड करेगी या रुकेगी। आई थिंक क्लियर।
हो गया। अगला सवाल देखिए, अब देखिए हम आपसे कहें कि मान लीजिए क्वेश्चन को जैसा है, ये एक वर्टिकल वॉल और ये एक ब्लॉक, चलो इस ब्लॉक का मास वही 10 kg ले लेना है। ब्लॉक और इस वॉल के बीच में यहाँ पे इररेगुलर सरफेस है, रफ सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे म्यू अवेलेबल है, और ये जो म्यू है यहाँ का वो म्यू हमको दिया है 0.2, और यहाँ से एक फोर्स लगाया गया है, यहाँ से एक फोर्स, और वो फोर्स लगाया गया 1000 न्यूटन। सवाल वही है कि एक्सेलरेशन बताना है और बताना है कि इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये हमको क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो भाई ये फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड एक्टिंग फ्रिक्शन बिटवीन 10 kg एंड वर्टिकल सरफेस, ये हमारा सवाल है, तो ध्यान दीजिए बेटा। बताओ जैसे हम इधर से दबाएंगे तो क्या ये जो वर्टिकल सरफेस है इसको इधर नॉर्मल देगा ऐसे? यस। तो बताओ नॉर्मल की वैल्यू क्या इस F के बराबर होगी, और क्या ये 1000 न्यूटन के बराबर होगी? यस। अब चलो पता करो कितना फ्रिक्शन अवेलेबल FS मैक्स, तो वो होगा बेटा म्यू इंटू नॉर्मल, तो म्यू है 0.2, नॉर्मल है देखो 1000, तो ये देखो बेटा 200 न्यूटन आ गया, 200 न्यूटन। चेक करो स्लाइड करने की टेंडेंसी, देखो टेंडेंसी बताओ नीचे की तरफ ऐसे, mg मतलब 10g मतलब 100 न्यूटन, 100 न्यूटन की टेंडेंसी, बताओ रोकने के लिए तैयार है 200 न्यूटन, स्लाइड कराने वाला 100 न्यूटन, बताओ ये स्लाइड करेगा कि रुकेगा? तुम कहोगे रुकेगा, रोकने के लिए 200 है, स्लाइड कराना चाहता है 100 न्यूटन, तो तुम कहोगे ये बॉडी स्लाइड करने वाली नहीं है, इसे रोकने के लिए ऊपर की तरफ ऐसे, ऊपर की तरफ ऐसे आ रहा होगा, ये ब्लॉक पे दिखा रहा हूँ मैं, ऊपर की तरफ आया होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, बताओ बेटा वो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आया होगा? टेंडेंसी 100 की, अवेलेबल 200, तो लगेगा 100 न्यूटन, जितनी जरूरत उतना ही तो लगेगा 100 न्यूटन, और ये बॉडी वर्टिकली डाउन एक्सलरेट होने से बच जाएगी, रेस्ट पे रहेगी। बढ़िया से समझ लीजिए, क्लियर? कोई डाउट? अब देखिए भाई, अब देखिए हर पॉसिबिलिटी को मैं समझाने जा रहा हूँ। मान लो हम आपसे ऐसे बोलते हैं कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये एक वर्टिकल सरफेस है, ये एक वर्टिकल सरफेस है, और यहाँ पर एक ब्लॉक है ऐसे, और इस ब्लॉक का मास चलो वही 10 kg, और यहाँ पे जो रफनेस है ब्लॉक और सरफेस के बीच में ऐसे, उस रफनेस की वैल्यू है म्यू बराबर 0.8, म्यू है 0.8, ठीक है। चलो हमने एक फोर्स ऐसे लगाया, अब की बार ऐसे एक फोर्स लगाया है, और ये फोर्स हमने हॉरिजॉन्टल से यहाँ से, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे लगा रखा है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे, ऐसे लगा रखा, ठीक है, 30 डिग्री पे, ठीक। चलिए अब देखिए
हमारा वही सवाल है कितना फ्रिक्शन यहाँ लग रहा होगा और इस बॉडी का क्या एक्सेलरेशन होगा। ठीक, तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड एक्टिंग फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस। तो ध्यान दो, सबसे पहला काम ये चेक करेंगे कि यहाँ पर कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है, कितना फ्रिक्शन अवेलेबल। चलो भाई फोर्स देखो ऐसे लग रहा है एफ, और ये एफ दिया 200 न्यूटन, ये फोर्स जो गिवेन है वो 200 न्यूटन। ठीक, तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा सबसे पहला काम कि कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है ये निकाल लो, फिर देखो कि रोकने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए, तब आगे बढ़ा जाए। क्यों भाई? तो ध्यान देना, मैं तुमसे कहूँ यहाँ पर इस फोर्स के जरा कंपोनेंट करो बेटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसे बोल दे रहे हम एफ एक्स, एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसे बोल दे रहे हैं एफ वाई, एक इधर एफ एक्स इधर एक एफ वाई। बताओ भाई एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी अगर हम आपसे कहें एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी अगर इस बात को समझा जाए, तो ये बताओ एफ एक्स 200 का, अगर ये 30 तो देखो ये भी 30, अगर ये 30 तो ये भी 30 है, तो इधर आएगा 200 का cos 30, 200 cos 30, और इधर आएगा 200 का sin 30। तो बताओ ये रूट 3 बाई 2, तो ये 100 रूट 3 न्यूटन, और ये देखो 100 न्यूटन ओनली। ठीक है, चलो अच्छा बताओ नीचे mg कितना लग रहा है, mg mg होगा 10g, ये 100 न्यूटन है राइट। अच्छा इधर से नॉर्मल आया होगा, नॉर्मल आएगा, और ये नॉर्मल बताओ कितना होगा अगर हम आपसे कहें, तो बताओ इस नॉर्मल ने इस एफ एक्स को बैलेंस किया होगा, तो यहाँ जो नॉर्मल होगा वो मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखो यहाँ जो नॉर्मल होगा इस ब्लॉक और इस वर्टिकल वॉल के बीच में वो एफ एक्स के बराबर, और एफ एक्स होगा यहाँ बेटा 100 रूट 3 न्यूटन, 100 रूट 3 न्यूटन ये हुआ एफ एक्स। और ये अगर नॉर्मल आ गया तो जरा चेक करो अवेलेबल फ्रिक्शन एफ एस मैक्स कितना, तो ये होगा म्यू इंटू नॉर्मल, और म्यू की वैल्यू कितनी 0.8 इंटू, और नॉर्मल हुआ 100 रूट 3, तो ये बताओ हो गया 80 रूट 3 न्यूटन, 80 रूट 3 न्यूटन, इतना अवेलेबल फ्रिक्शन रोकने के लिए तैयार है, इतना ध्यान दीजिए इतना फ्रिक्शन रोकने के लिए तैयार, जरूरत कितने की, टेंडेंसी कितने की, बताओ नीचे 100 ऊपर कितना 100, तो बताओ इस 100 को इस 100 ने क्या कर लिया बैलेंस, टेंडेंसी कितने की, जीरो की, यहाँ स्लाइड करने की कोई टेंडेंसी ही नहीं है, हमने जो फोर्स लगाया था उस फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर आया एफ वाई, उसने एम जी को बैलेंस कर लिया, हम कहेंगे सवाल में टेंडेंसी जीरो, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग जीरो है बेटा। और अगर टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग सवाल में जीरो, इसका मतलब यहाँ फ्रिक्शन अवेलेबल तो है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमारा जवाब होगा नो नीड ऑफ फ्रिक्शन, नो नीड ऑफ फ्रिक्शन बिकॉज नो टेंडेंसी राइट। तो बताओ यहाँ कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो आपका जवाब होगा यहाँ पर लगने वाला एफ एस एक्टिंग जीरो, जीरो फ्रिक्शन लग रहा होगा। क्या फ्रिक्शन यहाँ है? नहीं है, अच्छा खासा है, 80 रूट 3 न्यूटन का फ्रिक्शन तैयार है, फ्रिक्शन कह रहा है बताओ जरूरत हो बताइए, 80 रूट 3 तक हम आपको स्लाइड होने से बचा लेंगे, लेकिन ये ब्लॉक कह रहा है कि हमारे इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी नहीं है, स्लाइड करने की टेंडेंसी नहीं है, आप अवेलेबल हैं रहिए, आपकी ज़रूरत नहीं है, तो बताओ यहाँ फ्रिक्शन जीरो लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रिक्शन तो पिक्चर में तब आता है, फ्रिक्शन तो अपना रोल प्ले तब करता है जब स्लाइड करने की टेंडेंसी हो, अगर टेंडेंसी ही नहीं तो फ्रिक्शन की ज़रूरत भी नहीं। आई थिंक क्लियर। आप देखिए भाई अगला सवाल देखिए ज़रा,
ठीक है, आप समझो बेटा, मैं तुमसे कहूँ। अच्छा एक बात बताऊँ, नॉर्मल रिएक्शन अगर है कहीं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब उस बॉडी का उस सरफेस के साथ कांटेक्ट है, और कांटेक्ट होने का मतलब होता है एक बॉडी दूसरे बॉडी को प्रेस करे। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी को प्रेस करेगी, दबाएगी, तभी तो रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा। जैसे ये सरफेस हो, मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँ ऐसे, तो मैं अभी केवल इसको टच कर रहा हूँ, मेरे इसके बीच में, हो सकता तुम्हें गलत फहमी हो कि सर आपका इससे कांटेक्ट है, मेरा इससे कांटेक्ट नहीं है, मैं इसको केवल टच कर रहा हूँ। मैं अगर ऐसे चला जाऊँ तो मैं इसे दबा रहा हूँ तो ये मुझे धक्का मारेगा, नॉर्मल रिएक्शन देगा। तो नॉर्मल रिएक्शन तभी आएगा जब एक बॉडी दूसरे सरफेस को बताइए क्या करे, प्रेस करे, और जब तक प्रेसिंग एक्शन नहीं होगा तब तक बताइए कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को प्रेस करेगा तभी हम कहेंगे उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा, और तभी हम कहेंगे इन दोनों बॉडी के बीच में कांटेक्ट है। अगर केवल टच करना है, टच करने का मतलब नॉर्मल जीरो, अगर केवल टच करना है तो समझ जाइए नॉर्मल जीरो। नॉर्मल तब आएगा जब एक बॉडी दूसरे सरफेस को प्रेस करे, राइट। तो ध्यान दो, ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे कह दें ऐसे, ये वर्टिकल बॉल, यहां पर एक ब्लॉक, अच्छा एक काम करते हैं, अभी हमें यहां स्मूथ ले ले रहे हैं, ठीक, ध्यान से देखना, धीरे धीरे चीजों को बदलेंगे। मान लो यहां पर एक एम मास का ब्लॉक है, या स्मूथ सरफेस है, कैसा स्मूथ सरफेस, हम आपसे कहें इसके तरह फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, ठीक, ध्यान से देखना, बताओ यहां नॉर्मल कितना होगा, बताओ यहां से कोई फोर्स नहीं तो यहां नॉर्मल जीरो होगा, यहाँ नॉर्मल जीरो होगा। ये इसको केवल क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ये ब्लॉक इस सरफेस को प्रेस नहीं कर रहा है। जब तक प्रेसिंग एक्शन नहीं होगा तब तक कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। अगर हम इसका एफबीडी बनाएं तो बताओ नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एमजी, नीचे एमजी, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, स्मूथ सरफेस है, नॉर्मल भी नहीं है, तो नीचे एमजी, तो बताओ ये ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सलरेट करके जाएगा। इक्वेशन क्या लिखेंगे, एमजी बराबर एम इंटू ए, तो ए बराबर जी आएगा नीचे की तरफ। तो बताओ अर्थ से देखने पर ये नीचे गिर रहा होगा कितने से, जी से, और बताओ जब ये नीचे आ रहा होगा तो ये बताओ इस सरफेस को, ये जो वर्टिकल सरफेस है, इस वर्टिकल सरफेस को बताओ प्रेस करके आ रहा है कि टच करके आ रहा है, टच करके आ रहा है। यहाँ जो बीच में गैप होगा, यहाँ बीच में एयर बबल्स होंगे, एयर बबल, ये वास्तव में इसको दबा ही नहीं रहा है, ये इसको केवल टच करते हुए आ रहा है, ठीक। और ए कितना होगा, जी होगा, ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे कहूं अगली बार, मैं आपसे ऐसे बोलूं ये स्मूथ है, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, इधर से हम एक फोर्स लगा दे रहे हैं एफ, और बताओ ये एम मास का ब्लॉक, अगर इधर से एफ तो क्या अब बताओ यहाँ पर इसका कांटेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों, हम जैसे ही इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये इसको इधर धक्का मारेगा तो ये सरफेस इसको तुरंत इधर नॉर्मल देगा, और वो नॉर्मल किसके बराबर होगा, एफ के। ये हम किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, एम मास का, तो ये वाला जो नॉर्मल है ये वाई सरफेस ऑन ब्लॉक, और बताओ इस एन ने एफ को क्या कर लिया, बैलेंस, बताओ स्मूथ है तो फ्रिक्शन तो यहाँ है नहीं, स्मूथ रफनेस ही नहीं है, बताओ नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी, बताओ इस पर नेट फोर्स, बताओ इस लाइन में फोर्स बैलेंस, नेट फोर्स एम जी, तो इस केस में भी बताओ ये ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, जी से जा रहा होगा। बस फर्क पता क्या, इन दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा, फर्क इतना कि ये इसको केवल टच करते हुए आ रहा है, ये इसको दबाते हुए आ रहा है, प्रेस करते हुए आ रहा है, राइट। अब देखना, अगर हम कहते हैं यहाँ पर एक वर्टिकल सरफेस है और वो भी रफ सरफेस है ऐसे, और यहाँ पर एक ब्लॉक है और ये बताओ रफ ब्लॉक है, मास एम, मास एम, और यहाँ पे जो रफनेस है मान लो वो म्यू रफनेस है, कितना म्यू, चलो भाई बताओ, अगर रफनेस म्यू है तो मैं तुमसे कहूँ, अब देखो हमने यहाँ से कोई फोर्स नहीं लगाया, यहाँ से कोई फोर्स नहीं लगाया, बताओ रफनेस है, मैंने कहा कितना फ्रिक्शन बन के तैयार, अच्छा बताओ यहाँ नॉर्मल कितना होगा,
आप कह रहे हो सर ये ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में यहाँ पे एयर पार्टिकल्स होंगे, एयर पार्टिकल होंगे, ये कह रहा हम केवल इसको टच कर रहे हैं, केवल टचिंग केस है, ये कह रहा हम इसको केवल टच कर रहे हैं। टच करने का मतलब यहाँ पे ये मैकेनिकल बॉन्ड जो बनता था इसकी रेगुलरिटी, इसकी रेगुलरिटी के साथ कॉन्टैक्ट करती थी, वो कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। बताओ ये ब्लॉक क्या कह रहा है, कह रहा है देखो हमारे सामने सरफेस रफ है, फ्रिक्शन बनाने का अच्छा मौका है, लेकिन हम फ्रिक्शन नहीं बना पाए, हम इसको केवल महसूस कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, लेकिन हमारा इसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। तो बताओ मैं कहूँ यहाँ अवेलेबल फ्रिक्शन जिसका नाम एफ एस मैक्स वो होता था म्यू इंटू नॉर्मल, तो बताओ म्यू तो है लेकिन नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल जीरो, और अगर बताओ यहाँ नॉर्मल नहीं तो अवेलेबल फ्रिक्शन जीरो, बताओ फ्रिक्शन ही नहीं है, अवेलेबल फ्रिक्शन जीरो। अरे यार देखो रफनेस का होना फ्रिक्शन का होना नहीं होता है, रफनेस के साथ साथ उन रफनेस का आपस में फंसना भी होना चाहिए, और फंसाने के लिए क्या चाहिए नॉर्मल, तो रफनेस हो नॉर्मल हो तो फ्रिक्शन बन के तैयार होता है। यहाँ देखो रफनेस है लेकिन फ्रिक्शन बन के तैयार नहीं है, क्यों, क्योंकि नॉर्मल नहीं है, और नॉर्मल नहीं है तो इसकी रेगुलरिटी, इसकी रेगुलरिटी में आपस में फंस नहीं पाई, फंस नहीं पाई तो मैकेनिकल बॉन्ड नहीं बन पाया, फ्रिक्शन बन के तैयार नहीं हो पाया। तो हम बोलेंगे कि यहाँ फ्रिक्शन अवेलेबल ही नहीं है, तो जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बताओ ये ब्लॉक सरफेस से क्या कह रहा है, कह रहा है यार तुम रफ हम रफ, फ्रिक्शन बनाने का बढ़िया मौका, लेकिन हमारा आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, हम आपके साथ टच कर रहे हैं, आप मेरे साथ टच कर रहे हैं, लेकिन हमारी रेगुलरिटी आपकी रेगुलरिटी में फंस नहीं पा रही है, फंसाने के लिए यहाँ से एक फोर्स चाहिए था तो तुरंत यहाँ से नॉर्मल आता और इन रेगुलरिटी का यहाँ मैकेनिकल बॉन्ड बन जाता, एफ एस मैक्स बन के तैयार हो जाता, जो कि नहीं हो पाया। बताओ नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी, और बताओ अगर नीचे एम जी तो नेट फोर्स नीचे एम जी है, तो ये बताओ नीचे की तरफ ए बराबर जी से जाएगा, तीनों ही ब्लॉक यहाँ पर ए बराबर जी से नीचे जा रहे होंगे, बढ़िया समझ लीजिए राइट, नोट करिए, ठीक है रब कर दिया जाए। अब देखो बेटा अब देखिए भाई, अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ये एक वर्टिकल सरफेस है, ध्यान से देखना, रफ सरफेस है, और यहाँ पर एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक भी रफ है ऐसे, तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो रफनेस है वही हमें निकालना, ध्यान से देखना, ये एम मास, हमने यहाँ से एक फोर्स F लगा रखा है, कितना F फोर्स लगा रखा है हमने एक F फोर्स लगाया, और हमने आपसे कहा कि इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में म्यू मिनिमम बताओ, तो हमारा देखो सवाल क्या, फाइंड म्यू मिनिमम, फाइंड म्यू मिनिमम सो दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, बहुत बढ़िया से पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं मिनिमम रफनेस कितना होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक रेस्ट पर बना रहे, ठीक, मिनिमम रफनेस कितना होना चाहिए, तो ध्यान से देखना,
अगर हमने फोर्स ऐसे लगाया तो क्या बताओ तुरंत यहां से एक नॉर्मल आया? यस, नॉर्मल आ गया। क्या अब बताओ इस ब्लॉक का सरफेस के साथ कांटेक्ट हो गया? यस। और नॉर्मल किसके बराबर? एफ के बराबर। तो अगर नॉर्मल आ गया तो बताओ जरा क्या यहां फ्रिक्शन बन के तैयार हो गया? यस। तो मैं क्या कह रहा हूं, यहां कम से कम रफनेस कितना हो ताकि ये ब्लॉक स्लाइड ना करे? इसे कौन स्लाइड कराना चाहता था? एम जी नीचे ले जाना चाहता था। तो देखिए मैं बोलूंगा, सुनना ध्यान से, मैं कहूंगा कम से कम रफनेस म्यू इतना तो हो कि वो रफनेस इनटू नॉर्मल मल्टीप्लाई हो करके जो एफ एस मैक्स बनाए जिसका नाम है अवेलेबल फ्रिक्शन, और वो अवेलेबल फ्रिक्शन इस लायक हो कि वो इस टेंडेंसी को ख़त्म कर दे और ब्लॉक को स्लाइड होने से बचा ले, राइट? तो देखो मैं एक लाइन में समराइज कर रहा हूँ कि कभी भी मिनिमम रफनेस की बात करी जाए तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि वो मिनिमम रफनेस इतना तो होना चाहिए कि वो नॉर्मल के साथ मल्टीप्लाई होकर के जो अवेलेबल फ्रिक्शन बनाए और वो अवेलेबल फ्रिक्शन स्लाइड करने की टेंडेंसी को ख़त्म कर दे तो बॉडी बताओ स्लाइड होने से बच जाएगा। तो बताओ बेटा इसका मतलब हम मिनिमम रफनेस की जब बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं वो अवेलेबल फ्रिक्शन, अवेलेबल फ्रिक्शन का मतलब एफ एस मैक्स, इसका मतलब जब भी म्यू मिनिमम का सवाल होगा समझ जाओ फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? एफ एस मैक्स लगेगा। जब भी मिनिमम रफनेस पूछी जाए आप तुरंत समझ जाइए एफ एस मैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं मिनिमम रफनेस इतनी तो होनी चाहिए कि वो नॉर्मल के साथ मल्टीप्लाई होकर जो फ्रिक्शन बनाए जिसका नाम एफ एस मैक्स है वो एफ एस मैक्स इस एम जी को रोक ले। इसका मतलब मिनिमम रफनेस के करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्शन लगता है वो फ्रिक्शन कौन सा लगता है? एफ एस मैक्स लगता है। तो ध्यान दीजिए यहां फ्रिक्शन कितना बन के तैयार? एफ एस मैक्स बराबर म्यू इंटू नॉर्मल। तो यही म्यू मिनिमम हमें निकालना है कि इतना मिनिमम रफनेस तो होना चाहिए कि वो नॉर्मल, नॉर्मल किसके बराबर? एफ के। तो नॉर्मल एफ के बराबर इतना फ्रिक्शन बताओ ये अवेलेबल है, और मैं कहूंगा ये अवेलेबल फ्रिक्शन इस काबिल हो कि जो स्लाइड करने की टेंडेंसी एम जी है इसे रोकने के लिए सफिशियंट हो एफ एस मैक्स, और ये बताओ बॉडी नीचे जाने से बच जाए। बहुत बढ़िया, समझ लो कभी भी सवाल में मिनिमम रफनेस पूछा जाए तो आप तुरंत समझ जाइए फ्रिक्शन मैक्स लग रहा होगा, क्योंकि आप ऐसे समझो ना कि हमसे कह रहे हैं हम यहाँ कितना रफनेस डालते हैं ताकि ब्लॉक स्लाइड ना करें। तो तुम कहोगे इतनी रफनेस तो डाल दो कि रफनेस के साथ जब नॉर्मल रिलेट हो और जो फ्रिक्शन बने वो फ्रिक्शन एम जी को बैलेंस कर ले, टेंडेंसी को बैलेंस कर ले। इसका मतलब मिनिमम रफनेस के करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्शन बनता है वो एफ एस मैक्स स्लाइड करने की टेंडेंसी को ख़त्म कर दे तो हम कहेंगे बॉडी स्लाइड होने से बच गया। तो आप दिमाग में बिठा लीजिए कभी भी मिनिमम रफनेस पूछा जाए तुरंत समझ जाइए फ्रिक्शन लगने जा रहा है एफ एस मैक्स। चलो बेटा इसके लिए बोलो इस यहाँ टेंडेंसी देखो, ध्यान से देखना, मिनिमम रफनेस का मतलब ये हुआ कि टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग को रोकने के लिए अवेलेबल फ्रिक्शन बराबर होना चाहिए, ये मतलब हुआ। बहुत अच्छे से लैंग्वेज लिख दी मैंने, आप समझ जाओ अच्छे से। हमने लिखा टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग को रोकने के लिए अवेलेबल फ्रिक्शन काफ़ी हो, और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग इस सवाल में एम जी है और अवेलेबल फ्रिक्शन होता है एफ एस मैक्स, और ये एम जी और एफ एस मैक्स होता है म्यू मिनिमम इतना होना चाहिए कि वो नॉर्मल से मल्टीप्लाई होकर के जो एफ एस मैक्स बनाए वो एम जी को रोक ले, और एन की वैल्यू बताओ एफ के बराबर है, एम जी बराबर म्यू मिनिमम इनटू एफ। तो बताओ बेटा मिनिमम रफनेस बराबर एम जी बाई एफ, ये आंसर है। इसका मतलब अगर हम रफनेस की बात करें तो म्यू शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू एम जी बाई एफ। इस सवाल में जो रफनेस होना चाहिए वो एम जी बाई एफ से बड़ा या मिनिमम उसके बराबर होना चाहिए। तो मिनिमम की बात करें तो ये होना चाहिए, और इससे ज़्यादा भी है तब भी ये रुका रहेगा। लेकिन बताओ अगर यहाँ रफनेस मिनिमम से ज़्यादा होगा तो फिर बताओ मैक्स फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ओनली स्टैटिक लग करके बॉडी को स्लाइड होने से बचा लेगा। यार तुम ऐसे सोचो तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपए हैं, ठीक, वो एफ एस मैक्स है। मैं तुमसे कहूँ तुम्हारे पॉकेट कोई चीज़ 100 रुपए की मार्केट बिक रही है,
और तुम्हारे पॉकेट में भी 100। मैं कहूँ तुम्हारे पॉकेट में मिनिमम कितने रुपए हों कि तुम इसे खरीद लो, तो तुम कहोगे इतने तो कम से कम हो कि हम पूरी जेब खाली करके भी उसे खरीद लें। और पूरी जेब खाली करके खरीदने का मतलब है कि हम लगा दें FS मैक्स, पूरी ताकत लगा करके उसको खरीद लें। तो यहाँ पे वही बात कह रहे हैं कि यहाँ कम से कम रफनेस कितनी हो कि स्लाइड होने से बचा लें, तो हम कहेंगे इतना तो मिनिमम रफनेस हो कि पूरा फ्रिक्शन, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन लग करके स्लाइड करने की टेंडेंसी को ख़त्म कर दे और स्लाइड होने से बचा ले। और मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन बनता था रफनेस इंटू नॉर्मल, तो बताओ वो रफनेस कैसी, मिनिमम रफनेस इतनी तो होनी चाहिए कि जो फ्रिक्शन बन के तैयार हो और वो फ्रिक्शन स्लाइड करने की टेंडेंसी को बैलेंस कर ले। आई थिंक क्लियर। कभी भी एक बात बिल्कुल दिमाग में आज बिठा लीजिए, कभी भी हमें म्यू मिनिमम पूछा जाए, मिनिमम रफनेस पूछी जाए, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि कौन सा फ्रिक्शन लगाना है, FS मैक्स लगाना है। बात भी समझ में आ रही है कि मिनिमम रफनेस के करस्पॉन्डिंग हमारा सवाल, हम चाह रहे हैं कि मिनिमम रफनेस कितनी हो कि बॉडी स्लाइड होने से बच जाए, तो हम कहेंगे मिनिमम रफनेस इतनी हो कि उस मिनिमम रफनेस के करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्शन बने, तो मैं दिमाग में बोला मैंने फ्रिक्शन बने, तो आप समझ गए FS मैक्स की बात हो रही है, और वो फ्रिक्शन स्लाइड करने की टेंडेंसी को ख़त्म कर दे। राइट, अब देखो बेटा इसी सवाल में हम इसी सवाल में थोड़ा बदलाव करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो हमें दिमाग हमारा चलना चाहिए। देखिए हमारी कोशिश क्या है, हम आपका दिमाग खोलना चाहते हैं कि आप नए सवाल को भी खुद से ट्राई कर सकें। हम रटवाना नहीं चाहते हैं आपको कि मैं जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, ना, हम आपको सोचना सिखा रहे हैं, फील करना सिखा रहे हैं, विजुलाइज करना सिखा रहे हैं, आप खुद ही दिमाग लगा करके अपने आप कर सकते हैं फिर। राइट, तो ये एकदम दिमाग से हटा दीजिए कि आप जितना हमें पढ़ाऊँ वही आएगा, ऐसा कहीं नहीं होता, किसी सब्जेक्ट में नहीं होता है। आपको उसके दाएँ बाएँ चीज़ें समझ नहीं पड़ती हैं, जब खुद से दिमाग चलने लगता है तभी सिलेक्शन होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे कहें, जैसे इसी टाइप का एक सवाल और कर लेते हैं, ये मान लो M मास का ब्लॉक है, ठीक, और हम आपसे सवाल कर रहे हैं इस ब्लॉक और इस वर्टिकल सरफेस के बीच में, अच्छा हमने एक फोर्स ऐसे लगाया, इस बार ऐसे एक फोर्स लगा दिया, चलो हमने ऐसे एक फोर्स लगा दिया, ठीक है, और ये एंगल हॉरिजॉन्टल से हमने थीटा एंगल भी लगा दिया है, कितने एंगल में, थीटा। हमारा सवाल है फाइंड म्यू मिनिमम सो दैट ब्लॉक रिमेंस एट रेस्ट, ताकि ये ब्लॉक रेस्ट पर बना रहे, ये हमारा सवाल है। आप कहेंगे सर बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें, बताओ भाई मैंने म्यू मिनिमम पूछा, आपके दिमाग में तुरंत क्या आया, FS मैक्स लगाना है। बताओ इस एफ के कंपोनेंट करो, इधर बोलो एफ कॉस थीटा, इधर बोलो एफ साइन थीटा, आई थिंक क्लियर, इधर बोलो MG, इधर बोलो नॉर्मल, ऐसे आएगा। तो नॉर्मल किसके बराबर होगा, एफ कॉस थीटा। तो बताओ जो FS मैक्स बनेगा वो बनेगा म्यू इंटू नॉर्मल, यही म्यू हमारा मिनिमम होगा, ठीक है। तो बताओ FS मैक्स जो बनेगा वो बनेगा म्यू मिनिमम इनटू नॉर्मल की वैल्यू, बताओ किसके बराबर, नॉर्मल है एफ कॉस थीटा, तो ये होगा एफ कॉस थीटा, ये हो गया FS मैक्स, ये हो गया FS मैक्स म्यू मिनिमम इनटू एफ कॉस थीटा। राइट, स्लाइड करने की टेंडेंसी कितने की है, MG की है। तो बताओ इसे रोकने के लिए ऊपर की तरफ किस पर, सरफेस पे कि ब्लॉक पर, ब्लॉक पर किसने लगाया, सरफेस ने, FS मैक्स लगा दे। तो बताओ स्लाइड करने की टेंडेंसी है MG माइनस एफ साइन थीटा, तो हम कहेंगे टेंडेंसी को रोकने के लिए, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग को रोकने के लिए FS मैक्स काफ़ी होना चाहिए। टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग देखो कितनी है, MG माइनस एफ साइन थीटा, तो हम यहाँ लिखेंगे MG माइनस एफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू FS मैक्स, और FS मैक्स होगा म्यू मिनिमम इनटू नॉर्मल, और नॉर्मल है देखो एफ कॉस थीटा इस सवाल में।
तो म्यू मिनिमम की वैल्यू बेटा देखो कितनी आएगी, यहां पे आएगी एम जी माइनस एफ साइन थीटा अपॉन एफ कॉस थीटा, ये आंसर होगा मिनिमम रफनेस ये होगा। तो कभी भी मिनिमम रफनेस पूछ दे आप तुरंत समझ जाओ कि हमको फ्रिक्शन लगाना है एफ एस मैक्स, राइट। कोई प्रॉब्लम, एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं ऐसा ही। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हटाने से अब देखिए, अगर हम आपसे कहें यहां पर ऐसा हो जाए, ये एम मास का ब्लॉक है और यहां रफनेस हमको वही म्यू मिनिमम पूछा है, किस बात के लिए? टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट, टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट, ठीक, समझ गए होंगे। अब की बार हमने एक फोर्स बेटा ऐसे लगाया है एफ, और ये देखो हमने यहां हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पे लगाया ऐसे, अब की बार ऐसे फोर्स लगा दिया, तो बताओ इधर कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, बताओ इधर कंपोनेंट एफ साइन थीटा, इधर बोलो एम जी, इधर बोलो नॉर्मल आएगा। चलो भाई सबसे पहले बताओ यहाँ पे कितना फ्रिक्शन बन के तैयार एफ एस मैक्स, तो वो होगा म्यू इंटू नॉर्मल, यही म्यू हमें निकालना मिनिमम, और नॉर्मल की वैल्यू बताओ नॉर्मल किसके बराबर, एफ कॉस थीटा, राइट। टेंडेंसी एम जी प्लस एफ साइन थीटा दोनों नीचे, इसे रोकने के लिए लग जाए एफ एस मैक्स। तो देखो मैं क्या कहूँगा, अगर ये ब्लॉक नीचे जाने से बच गया तो बताओ हम कहेंगे कि जो टेंडेंसी थी, जो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग थी उसको रोक लिया किसने, अवेलेबल फ्रिक्शन ने, कितनी बढ़िया बात है, अवेलेबल फ्रिक्शन ने उसको रोक लिया। तो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग थी बेटा एम जी प्लस एफ साइन थीटा, और इसको रोक लिया अवेलेबल फ्रिक्शन एफ एस मैक्स, और एफ एस मैक्स होगा म्यू मिनिमम इंटू नॉर्मल। तो ध्यान दो म्यू मिनिमम नॉर्मल की वैल्यू, ये नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा, एफ कॉस थीटा, तो ये हुआ बेटा एफ कॉस थीटा, और इधर हुआ एम जी प्लस एफ साइन थीटा। स्लाइड करने की टेंडेंसी देखो एम जी प्लस एफ साइन थीटा है, तो यहां से देखो म्यू मिनिमम आ गया एम जी प्लस एफ साइन थीटा अपॉन एफ कॉस थीटा, ये हमारा आंसर, नोट कर लो, नोट करिए। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर इसके आगे लेवल और बढ़ता चला जाएगा बेटा, तो ध्यान से देखते चलिएगा और सारे सवाल हम क्लास में ही कराएंगे, ठीक है।